13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद यह क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। काशी से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए पटना, कलकत्ता, ढाका और डिब्रूगढ़ तक जाएगी। गंगा विलास क्रूज में कुल 18 कमरे हैं। इसके अलावा क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी है। यही नहीं, क्रूज में कुल 40 क्रू मेंबर भी इसमें सवार लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए रहेंगे। 31 यात्रियों को एक 5-स्टार होटल से ज्यादा गंगा विलास क्रूज में सुख सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं कि गंगा विलास क्रूज के अंदर के कैसे इंतजाम है। मंगलवार को 31 स्विस मेहमानों का दल काशी पहुंचकर गंगा विलास क्रूज पर सवार हो गया। स्विस मेहमान गंगा विलास क्रूज से देश की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर निकलेंगे। भारत में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से 13 जनवरी 2023 को निकलेगी। गंगा विलास क्रूज भारत में निर्मित पहला रिवर शिप है, जो काशी से बोगीबील तक सबसे लंबी जलयान यात्रा कराएगी। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों का यह सफर भारत व बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। यह यात्रा विश्व विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी। यह जलायन राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों से भी गुजरेगा, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है। यात्रा उबाऊ ना हो इसलिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की भी सुविधाएं होंगी। गंगा विलास क्रूज आधुनिक सुविधा से युक्त और पूरी तरह सुरक्षित होगा। एक ही रिवर शिप द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी यात्रा होगी। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के रिवर क्रूज नक्शे पर ला दिया है। क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने खास बातचीत में बताया कि उनके क्रूज में सभी लग्जरी सुख सुविधा है। कुल 31 स्विस यात्री क्रूज पर सवार होंगे और 40 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 71 लोग क्रूज की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि किसी 5-स्टार होटल से ज्यादा ही सुख सुविधा मिलेगी। क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। इससे बांग्लादेश से कनेक्टिंग अच्छी होगी और जलमार्ग का विकास भी होगा। सरकार के सहयोग से एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। वही इस अद्भुत यात्रा के बारे में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज का रवाना करेंगे। 51 दिनों तक 32 किलोमीटर सफर करके गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी सांस्कृतिक और पर्यटन से सभी यात्रियों को परिचित कराया जाएगा।